तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ नाक रगड़ेंगे, पैर रगड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे कोई दाल बिहार में नहीं गलने वाली। अभी तो बगल का प्रदेश पश्चिम बंगाल में लोग कुछ दिन पहले देख लिए ना, कितना कुछ किया इन लोगों ने, क्या क्या हवा बनाया, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अब बिहार में भी जो महागठबंधन बना है, इस महागठबंधन के सामने उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी लोग कोशिश करेंगे, बिहार के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, मिलजुल कर रहेंगे, विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ रही है और राजनीति भी ठीक से हो जाएगी। बिहार में गठबंधन से आप लोग अलग है, उसके बाद पूर्णिया में एक बड़ी रैली की तैयारी है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ नाक रगड़ेंगे, पैर रगड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे कोई दाल बिहार में नहीं गलने वाली। अभी तो बगल का प्रदेश पश्चिम बंगाल में लोग कुछ दिन पहले देख लिए ना, कितना कुछ किया इन लोगों ने, क्या क्या हवा बनाया, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अब बिहार में भी जो महागठबंधन बना है, इस महागठबंधन के सामने उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। वो करेंगे सब कुछ जो भी उनके मन में आवेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, होगा रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन चाहेगा वही बिहार के। सर अभी लोकसभा चुनाव में देरी है, लेकिन पौने दो साल पहले अमित शाह का एक बड़ा रैली, क्या संकेत देता है? नहीं, कोशिश उनकी ओर से है, कोशिश उनकी ओर से है। और देखिए ना, वो कहां जगह का चुनाव कहां कर रहे हैं, जगह का चुनाव किया है वहां पूर्णिया के बारे में कहा जा रहा है, जहां आसपास में अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आबादी बहुत बड़ी है, तो जानबूझ के टारगेट करते हैं ना कि कुछ इस तरह की बात करो ताकि समाज में तनाव पैदा हो, सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांट दो, तो यह उनकी कोशिश है। और सीधे दिख रहा है कि उनकी पहली रैली जो अब होने वाली है, उसके जगह का जो चुनाव उन्होंने किया है, इससे साफ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी लोग कोशिश करेंगे, बिहार के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, मिलजुल कर रहेंगे, विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ रही है और राजनीति भी ठीक से हो जाएगी। मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा, तो राष्ट्रीय नेताओं से मिलने की बात? हाँ, तो लगातार इस गठबंधन के बनने के बाद मुख्यमंत्री जी को राज्य से बाहर के नेताओं का फोन आते रहा है, और स्वाभाविक रूप से औपचारिकता बस भी लोगों से मुलाकात करके उनको धन्यवाद देना और आगे की राजनीति कैसे देश भर में हो पाए, विपक्ष की एकता कैसे हो पाए, इस बात का प्रयास करना अब सबसे बड़ा दायित्व है मुख्यमंत्री जी के ऊपर। और इस काम से मुख्यमंत्री जी जाएंगे, बिहार से बाहर भी दिल्ली जाएंगे और बाकी और भी जहां जाने की जरूरत होगी जाएंगे और बाकी लोगों से बात करेंगे।